मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं। अब नवाब मलिक ने क्रूज पर पड़ी रेड को फर्जी करार दे दिया है। मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया भी मौजूद था। पार्टी में दाढ़ी वाला शख्स कौन है, उस पर जांच एजेंसी गौर करे। दाढ़ी वाले का समीर वानखेड़े से कुछ रिश्ता है। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए क्रूज पार्टी में मौजूद दाढ़ी वाले शख्स की पहचान बताते हुए उस पर सवाल उठाया है। दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। काशिफ खान के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो फैशन टीवी यानी एफटीवी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि काशिफ खान ड्रग रैकेट के अलावा सेक्स रैकेट भी चलाता है, फिर समीर वानखेड़े ने आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है, और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। दूसरी तरफ फरहान आजमी ने ट्वीट करके कहा है कि कथित तौर पर काशिफ खान और राज कुंद्रा के बीच कनेक्शन था। खबरों के मुताबिक काशिफ खान ने ही कॉर्डेलिया क्रूज पर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे थे। काशिफ को कई बार फैशन शोज में देखा जा चुका है। नवाब मलिक का आरोप है कि काशिफ खान कभी तिहाड़ जेल में कैद रहा था। फरीद अली, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।